नमस्कार सतेज सकाल को स्वागत करमय सतेज सकाल प्रत्येक दिन आम आलोचना करूँ जे खबर कागज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आज मध्य सेमती किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जहाँ को नहीं आम पूरा आलोचना करवा तेज कौन रही गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक से बाबद प्रथम कही रखी जे प्रथम खबर हिसाब से आम नौचे पापाई लड़े आप जानते गत काली जो चित्र सामना को आसी केन्द्रापड़ जे खरस्रोता को लेकिन बर्तमान रणक्षेत्र पलटि प्रकल्पस्थल एवं जो आंदोलनकारी रही पुलिस भितरे जो परिस्थिति सृष्टि होता अनायत होता तेज या सहित आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही पौर निर्वाचन मामला पहुंची हाइकोर्टे जेहेतु पौर निर्वाचन कथा जी कह 2018 सेप्टेम्बर पौर परिषद गुड़िकर कार्यकाल सरी जा किंतु वर्तमान सुधा राज्य पौर परिषद निर्वाचन नहबाक नहीं वर्तमान मामला हाइकोर्टे पहुंची ये एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही सहित रही अवसरप्राप्त अनुसचिव प्रकाश चंद्र रथ गिरफ 253 अयोग्य छात्र छात्री को देते 36 लाख तेरे परवर्ती खबरटी रही कांझारी बंध निर्माण 33 वर्ष पर भी चाषी अंतसंत ये सबू खबर गुड़िक रही या सहित रही कोटिया उच्चशिक्षा व्यवस्था नहीं आंध्र मसुधा सरुणी 16 प्रकल्प योजनार कछप गति माने राउरकेला गोटे खबर आसी बैंक में पड़ रही 228.24 कोटी टंका तेज ये सब खबर को नहीं आम आलोचना करवा आम सहित रे आम प्रतिनिधि मैंने सहित जोड़ रे खबर बाबद कौन अपडेट आसूरी कौन रही अधिक सूचना से बाबद सहित आलोचना करवा तेज प्रथम खबर हिसाब से आम नौ खासकर पौर निर्वाचन मामला बर्तमान हाइकोर्टे पहुंची कही रखापी चाहे जी 2018 सेप्टेम्बर राज्यर पौर परिषद गुड़िक कार्यकाल सरी सारी कि वर्तमान सुधा पौर परिषद निर्वाचन होना जहाँ को लेकिन विरोधी मनरे एक संशय सृष्टि हो सरकार कहीं निर्वाचन करूना जहाँ को नहीं वर्तमान मामला हाइकोर्टे पहुँचला पौर निर्वाचन मामला एवं हाइकोर्टे रही एका बेले तीनोटी पिटिशन पड़ी उच्चतम न्यायालय तुरंत पौर निर्वाचन कराइबापी पिटिशन गुड़िक प्रार्थना करवेदनकारी होती भुवनेश्वर पर पूर्वतन प्रशासक प्रसन्न मिश्र कटक लागी समीर दे एवं पूरी सकाशे विधायक जयंत षडंगी तीन जन आवेदनकारी पक्षर मोकदमा लड़ुंट पीताम्बर आचार्य तीनोटी जाक पिटिशन विचार पर ग्रहण कर हाइकोर्ट हाइकोर्ट को मामला जावाप सरकार अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि करें नवीन सरकार पंचायत निर्वाचन आगे कराईने को चाहता बेले आवेदनकारी प्रथम पौर निर्वाचन कराइबा प्रार्थना करबद्रे अधिक आलोचनापी कटकु आम प्रतिनिधि इम्रान खान आम सहित जोड़ होती इम्रान बर्तमान आईनजीवी मान कौन प्रतिक्रिया आसुची जे मामला उपरे केबे सुनानी हेबो एवं कहा सपक्ष रे जीवो किछि एने प्रतिक्रिया आसुची कि देखो तो चिन्ह जेबे भगर अपन जानथिबे पौर निर्वाचन एवं महानगर निगम निर्वाचन पखा पाकी 3 वर्ष रेगलाणी जहाँ तार कार्यकाल सज्जित निर्वाचन पर्यटन कराए ना जहाँ को विरोधी मैंने विभिन्न समय सरकार को समालोचना करेक्षी में देखते हैं गत काली बीजेपी पक्ष हाइकोर्ट में 3 पृथक पृथक मामला दायर कर तुरंत पौर निर्वाचन करने प्रार्थना कर पुरी रु बीजेपी विधायक जी रही जयंत षडंगी से गोटे मामला रुजु करटक रु पूर्वतन मंत्री तथा वरिष्ठ बीजेपी नेता समीर देव गोटे मामला रुजु करते भुवनेश्वर पूर्वतन प्रशासक प्रसन्न मिश्र गोटे मामला रुजु करता 3 पृथक पृथक मामला हाइकोर्टे दायर कर सब मामला को परिचालना करेंगे मामला लड़े वरिष्ठ आईनजीवी पीताम चाटर्जी ए उल्लेख रही पाखापाखि 2018 114 पौर संस्था और 5 महानगर निगम रही तार कार्यकाल पाखापाखि 3 वर्ष हो गया सरी जाए कि निर्वाचन कराए ना जहाद्वारा कि अनेक साधारण लोक असुविधार सम्मुखीन होती किंतु जहां व्यवस्था रही जिते बड़े पौर निर्वाचन कथा कहतु कि महानगर निगम निर्वाचन कथा कहतु तार कार्यकाल 5 वर्ष सर पूर्व निर्वाचन करवस्था रही किंतु एटी देखा गले 5 वर्ष सरिकी 3 वर्ष सरीगला अर्थात से कार्यकाल सरिकी 3 वर्ष बीतीगला निर्वाचन कराए ना जहाद्वारा कि अनेक असुविधा सम्मुखीन होती साधारण लोके प्रश्न आसुची काही की सरकार बा राज्य सरकार आगो पंचायत निर्वाचन करबा पई चाहुचंती एवं परे पौर परिषद रो निर्वाचन खास करी या पछले कारण कोन हिथाई पारे देखो चिन्ह जानते विरोधी मैंने विभिन्न समय जो समालोचना सरकार करते पौर निर्वाचन एवं पंचायत निर्वाचन कि आप महानगर निगम निर्वाचन कथा कहतु ये सब निर्वाचन गोटे प्रसंग उठाते सरकार बर्तमान कौटिना कौटि भयर रोच जदि निर्वाचन करती
ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବ ବୋଲି ଯାହାକି ବିରୋଧୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବୋଧ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ହୁଏତ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ କୋଟି ନା କୋଟି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ହୁଏତ ସେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯିବେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି କଥା ଉଠାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଥିରେ ରହିଛି ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସରକାର ସୁପାରିଶ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ସରକାର ସୁପାରିଶ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଯାଇକି ଏହାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବେ। ଯଦିଓ ତାହା ବି ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସିଧାସଳଖ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବେ ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଯିବେ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯଦି ମାମଲା ବା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେସବୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆହୁରି ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଇମ୍ରାନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବରକୁ ଯିବା ଯେ ଖବରଟି ହେଉଛି ଖରସ୍ରୋତା ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନର ଖବର। କାରଣ ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ବା ଆଜି ସମସ୍ତ ଖବରକାଗଜରେ ଇଏ ଖବରଟି ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ। ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବରକାଗଜ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାଣି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଏବଂ ଖରସ୍ରୋତାରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ପାଣି ଦେବା ବିବାଦ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ଗତକାଲି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମୁହାମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ଆସବାବପତ୍ର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଚାରି ପୋଲିସଙ୍କ ସମେତ 14 ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗତକାଲି ପୁରା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୋଭଳି ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖରସ୍ରୋତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଏ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଦିନ ଦେଇ ଗତି କରିବେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଚାଷ କାମ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି କାମରେ ମଧ୍ୟ ଖରସ୍ରୋତାର ପାଣିକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ପିଇବା ପାଣିର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ ପାନୀୟ ଜଳର ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ ମଧୁର ପାଣିଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ଲୁଣି ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅତିଶୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ମଧୁର ପାଣି ସେ ପାଣିକୁ ଏକଜୁଟ କରାଯାଉ ସେ ପାଣିକୁ ରଖାଯାଇ ବାକି ତକ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବାବଦରେ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜକନିକାରୁ କମଲ ଲୋଚନ ଗିରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କମଲ ଲୋଚନ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିତ୍ର କ'ଣ ଆସୁଛି କାରଣ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପୁରା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଧିଆ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘଦିନର ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦ ଚେତାବନୀ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନି। ଶେଷରେ ଲୋକଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ରାଗ ଅସନ୍ତୋଷ ଗୁରୁବାର ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ 2000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ପୁରୁଷ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ କିଛି ସାବାଳକ ନାବାଳକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 144 ଧାରା ଜାରି ଓ ଶତାଧିକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ଫଳରେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥଳ ବରୁଣାଡିହା ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। ପାଣି ଦେବାକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଲିଥିଲା ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ। ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଥିବା ଯାଏ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଭଦ୍ରକକୁ ଟୋପାଏ ପାଣି ଦେବୁନାହିଁ ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଫୋନ୍ରେ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କମଲ ଲୋଚନ। କମଲ, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯଦି କାଲି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇଥିଲେ, ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା ଏବଂ
ପୋଲିସ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଇଥିଲେ ପୋଲିସ ମେଡିକାଲ ଭିତରକୁ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରକ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତହସିଲଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାକୁ ପଶାଇ ସାଧାରଣ ଜନତା ତୀବ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା କାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସରସ୍ୱତା ସଂଗ୍ରାମ ସମିତିର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ ପଛ ହେଲେ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦେ ଦେବୁନି ଯଦି ପାଣି ଯାଏ ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦେବୁ ଏବଂ ଚାଷରେ ଚାଷ ବାସ ହେଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୁଣ ପାଣି ମାଡି ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ବି ରାଜପନିକାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକଳ୍ପ ହେଇ କମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଜିର ଚିତ୍ର କଣ ଆସୁଛି ବ୍ଲକରୁ ଯେହେତୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପ୍ରହରା ରହିଛି ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି କଣ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଭଙ୍ଗା ରୋଜା କରିଥିଲେ ଆଜି ଭୋରୁ ଭୋରୁ ରାତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠାଇଛି ଏବଂ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଘର ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କବାଟ ଭଙ୍ଗା ରୋଜା କରିଛି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫୋନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତେବେ କମଲ ଯାହା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ଖାସ କରି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ଦେବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ମଧ୍ୟ ଦେବୁ ନାହିଁ ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଧିକ ଆସୁଛି କି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସାଧାରଣ ଜନତା ବାରମ୍ବାର ବୈଠକ ବସିଲା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ଯାହାକି କାଲି ଏଠାରେ ନେଇଥିଲା ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଲୋକ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କମଲ ଲୋଚନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କମଲ ଲୋଚନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜଗନିକାରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜଗନିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଖରସ୍ରୋତାରେ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯିବ ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହିତ 27 ସକାଳ ଜାରି ରହିବ କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ 27 ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରହିଛି ଯେ ଖବରଟି ହେଉଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସଚିବ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଯେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଇ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଜାଲିଆତି କରାଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ମେଧାବୃତ୍ତି ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସଚିବ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଓଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇ ମେଧାବୃତ୍ତି ଜରିଆରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି ପରେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନେ କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଖାସ କରି ଯେଉଁମାନେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଏ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟୀ ଯେଉଁ ଏମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅନୁସଚିବ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁସଚିବ ଅଧିକାରୀ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ଯିଏକି 2014 ଏବଂ 15 ମସିହାରେ ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ର ଇନଚାର୍ଜ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯୋଉ ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯୋଉ କଲେଜ ବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଇ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବା ମେଧାବୃତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବା ବାର୍ଷିକ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଜୁର ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଗୁରୁବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କାହିଁକିନା
2017 कथा कहतु 2014 एवं 15 शिक्षा वर्ष रे जो 253 जना अयोग्य छात्र छात्री मानुकु से 36 लाख टंका रा अर्थराशि प्रदान करथले, अर्थात जो छात्र छात्री माने आवेदन करथांती उच्च शिक्षा परिषद को बा संपृक्त शिक्षा अनुष्ठान को तांकर वार्षिक जो अर्थराशि सहायता करे सरकार तांकु जो प्रदान करा जिबारे सेथिरे अनियमितता व्यापक देखा जायछि, तनु काली गतकाली तांकु गिरफ करा जायछि एवं तांकर जमीन आवेदन मध्य खारज करा जायछि, वर्तमान से विचार विभागीय हाजत रे रहिछन्ति। ये जो दुर्नीतिर गंताघर आछि, वर्तमान जो बुद्धिजीवी रहिछन्ति शिक्षाविद रहिछन्ति सेमान मध्ये ए प्रश्न उठाउछन्ति, ये चेर केवल प्रकाश चंद्र रथंक पाखरे अटकि जाय नै, ये अधिकरु अधिक लोकमानक पाखरे अछि, काहेकि ना ये जो 236 बा एते लक्ष लक्षाधिक टंकार जो दुर्नीति हेछि केवल सी एका एथिरे संपृक्त थिबे ता कहिबा संपृक्त निहत भाव में कौटना कौटी भूल रहा, केवल जे जड़े व्यक्ति एथिरे संपृक्त रते जो छात्र छात्री विद्यार्थी रही आर्थिक राशि जो तांकर सहायता राशि प्रदान करिबारे व्यापक अनियमितता देखा जाइछि। 2014 एवं 15 चिन्मय कथा देखंतु से 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 2014 ए
बाबद मध्ये चिंता करछन्ते। आ गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे केमती भाबरे एते लक्ष टंका से जो माने मेधावृत्ति पाइबा कथा नुहे सी बा जो अयोग्य छात्र छात्री रहिछन्ती तांको केमती दउथिले ये मध्ये सबुटो बड प्रश्न बाची सृष्टि होउछि। तबे गुरुत्वपूर्ण कथा आउछि जे तांको विरोध रे वर्तमान कोन कार्यानुष्ठान लिया जाउछि आंको सहित आ को मानकर संपृक्ति रहिछि तार मध्ये तदंत हेबार आवश्यकता रहिछि। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्न आपनकर तमाम सूचना पाई। तबे या सहित आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही जे कांछारी बंध निर्माण 33 वर्ष पर भी चाषी वर्तमान हंतसंत होती घटनाटी कौन ता नजर पकाबा जे राजकोष को अधिक राजस्व देउथिबा केन्दुझर जिलार विकास हजि जाइथिबा बेले एकांत अभिशप्त पलटि सरकार उन्नतिमूलक कार्यक्षेत्र में अनेक योजना कर चली किंतु एपरी एक अभावनीय घटना देखा मिली। सदर ब्लक अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत अधीन काणीपसी गाँव एवं कांचरी ड्यम्र निर्माण 33 वर्ष होते यार मरामती उन्नतिमूलक कार्य न हो पार केनाल जल उपर निर्भर योग्य वर्तमान चाषी हंतसंत होती। बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि मास्टर सरिनम। तबे मास्टर सरिनम जानवापी चाहबू 33 वर्ष है ये बंध निर्माण करूँ चाषी मैंने उपकृत होे बाबद्रे जो मैंने रही जिलार जल जोगाण बा कृषि जोगाण अधिकारी से माने बाबद रे जानिछंती ना नाही। देखंतु चिन्मयी ये जो 33 वर्ष पुराणा जो आमर जो कांझारी ड्याम ए ड्याम रे होची प्रथम प्रथम पानी जाउथला एवं एटा होची केन्दुझर सदर ब्लॉक आबुद ब्लॉक प्लस पाटणा पंचायत रे मध्ये पाटणा ब्लॉक रे मध्ये किछि जमी को चासी माने एथरे उपकृत होउथले किंतु वर्तमान को होची एते पुराणा हला परे जो ता जो केनाल फाट है तापर तार जो हूँ मौलिया जमी जाऊँच एगुड़ाक विभाग अधिकारी द्वारा केवे भी सफा हो कि केनाल हो फाट को कंक्रीट दिया बारंबार चाषी जा विभाग अधिकारी खास कर ये समस्या केते वर्ष है लगी रही ये चलित वर्ष समस्या ना पूर्व समस्या लगी रही समस्या देखो तो ये 2017 मसीह रु ये समस्या आरंभ है ता आगुरु आरंभ है जे ये जो पानी जमी जाए कि गोटे कथा देखो सब तो बड़ कथा सरकार से कोटि कोटि टा खर्च कर जगार तार जो ये जो ये जो ये कांझारी ड्याम उपर मुंडे माने सहर को जो मेगा प्रकल्प अच्छी सहर को पानी जल जोगाण कराटा होवल सरकार से पानी जोगाण कर पैसा खर्च होती तल मुंडे केमी केनाल पा जीव चाषीों पर सरकार नजर दौना कारण 2017 मसीह चाषी मैंने हंतसंत होती
चाषीर समस्या बा चासी समस्या दे गति किंतु ये बाबद केमती जिला प्रशासन दृष्टिगोचर करूना ये सब आश्चर्य कथा किंतु आशा करवा जे खास करी जिला प्रशासन ए दिगरे दृष्टि दिंतु जिला कृषि अधिकारी दृष्टि दिंतु एवं जल जोगाण अधिकारी दृष्टि दिंतु एवं केमती चासी बिल में पा पहुँचे चासी केमती असुविधार सम्मुखीन नए से बाबद्रे कौन पदक्षेप नि बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर सरीनम आपंकर तमाम सूचना तबे आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर रही है या सहित जो खबर टी हूँ कोटिया रे उच्चशिक्षा व्यवस्था नहीं आंध्रर मसुदा आपड़ जानते वर्तमान केमती आंध्र ओडिशार सीमांतवर्ती अंचलगुड़ी निज अख्तियार को नब से वर्तमान मसुदा चलाई या भितर जो खबर टी प्रकाश पाई खबर हूँ कोरापुट जिला पट्टांगी ब्लक कोटिया पंचायत को नहीं पड़ोसी आंध्र ओडिशा दिनकू दिन नुआ नुआ समस्या सृष्टि करिवारे लगी केबे कोटिया रे अनुप्रवेश करी आंध्र रास्ता निर्माण कलाणि तो केबे पट्टा बांटिबा को योजना कलाणि एबे कोटिया रो छात्री माने किपरि उच्च शिक्षा पाइबे से नै योजना कलाणि बुधवार एने तळ गंजी पदर सरपंच दिबाकर गेमेल पूर्वतन सरपंच विश्व गेमेल पार्वतीपुरम प्रशासन को एक दाबीपत्र देइछन्ते खबर रु जणा पडिछि कोटिया पंचायत रो तीन ग्राम फाटू सिनेरी फगुण सिनेरी और तल गंजेईपदर गाँव को आंध्र निजर दाबी करी तीनोटी पंचायत करी ते बाबद्रे अधिक आलोचना पाई आम सहित जोड़ी होती आम प्रतिनिधि मनोज दास आम सहित जोड़ी होती मनोज खास करी जानवापी चाहिबो जे जेतबले आमर से कोरापुट कथा कहवा कोरापुटे जो जनप्रतिनिधि मैंने से जाऊँच जिला प्रशासन बारंबार जाऊँगी किंतु काहीकि फरक पड़ूनी अंचलवासी आंध्र बारंबार अनुप्रवेश करुच्छी लोक को फैसिलिटीज जो दौर आउ सब अख्तियार करने चेष्टा कर निहत भाव में चिन्मय देखूँ आम अनेक थर आ पूर्व कोटिया प्रसंग को लेकिन अनेक खबर प्रसारण करूँ कि आंध्र से निजर गड़ अख्तियार कर लगी लोक विभिन्न प्रकार सुविधा सुजोग दौर लोभन से योजना सब देखा जहाँफल से जो कोटिया अंचल समेत जो एक खंड गाँ लोक अच्छा से सब बर्तमान आंध्र मुँह आऊँच बर्तमान देखूँ जो फाटू सिनेरी कथ कह फगुड़ सिनेरी कथ कह कि तल गंजेई पदर कथ कह ये आगुरी आंध्र निजर गड़ विस्तार करी आगुरी बर्तमान सुधा रखी अच्छी तो निहत भाव में देखो ए तल गंजे पदर जी सरपंच थे विगत दुई दिन तले से पार्वतीपुरम जिला प्रशासन को एक चिट्ठी माध्यम उल्लेख करते कि जो पिलामाने अच्छा से अंचल से उच्च शिक्षापी जो सालुर ब्लक कानाबालसा ग्राम रही सेठाकर जो उच्च विद्यालय रही सेठाकर जो ओडिशार जो यो अंचल रही कोटिया अंचल जो पिला उच्च शिक्षा सेठाकर दिजिव तेल निहती भाव में देखो ये जो अंचल आंध्र निजर गड़ अख्तियार कर योजना रखी यह आग को भविष्य में निहत भाव में आंध्र एर सफल हो पार आदि कह देखु विगत आ पूर्व जो खबर प्रसारण कर एक खंड गाँव फैसिलिट दौर मैंने आंध्र मुआ होती खास कर जितेबाला ये बर्तमान कथा नुहे ये बर्ष बर्ष धरी देखा जे कोटिया केमती कोटिया अंचल को केमती आंध्र निज अख्तियार को नाप चेस्टा कर जिला प्रशासन कथा कहतु राज्य सरकार एम पाखे कौन से किसी व्यवस्था नहीं जो व्यवस्था जो सुविधा से मैंने कोटिया अंचलवासी को देपारे कोटिया कोटिया ओडिशा मुहा करें निहत भाव चिन्मय देखु जदि सुविधा कथ कह सरकार ओडिशा सरकार सुविधा दौंस किंतु से जो सुविधा सुजोग ये दौंस आंध्र जो थोड़ा सुविधा सुजोग तो कहीं मात्र कम देखो जदि भत्ता कथ कह भत्ता 500 टाँचा देला बेलू आंध्र सरकार से 2200 टाँचा दौंस दिव्यांग भत्ता ये 700 टाँचा मिलला बेले 5000 टाँचा मिलू तो सब प्रकार सुविधा स्वास्थ्य सुविधा कह शिक्षागत सुविधा कह सबुति आंध्र आगुआ रही तो अभी बर्तमान कोटिया लोकर जो प्रश्न रही आम बर्तमान किसी दिन तेज़ ग्राउंड रूठी जा तथ्य संग्रह करूँ कि सेठिका अंचल लोकर कहार कथा कि जदि आंध्र पड़ोशी राज्य आंध्र होती आमको ये सुविधा सुजोग दे पारे तेल ओडिशा सरकार आमको बिवाद तुटब राज्य सरकार ये कोटिया को बर्तमान से कोटियार अंचलवासी को सब सुविधा सुजोग देवे और लोक मैंने जानवे खास कर आम होशार लोक आंध्र मुआ हे ना कि घटना कौन सीना कौन सी विलंबता देखा मिली राज्य सरकार विलंब कर जो आज एभली स्थित उपजुच्ची बहुत बहुत धन्यवाद मनोज आपणकर तमाम सूचना पाई
तबे आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर आम पाखरे रहिछि जे खबर को नै कि मध्ये आमे आलोचना करबा जे खास करी सरुनी 16 प्रकल्प योजनार कछप गति ये खबर टी होउछि राउरकेलार जे खबर जहाँ प्रकाश पाइछि राउरकेला राज्यर द्वितीय स्मार्ट सिटी घोषणा को इति मध्ये रे 5 वर्ष पूरिछि 5 वर्ष भितरे मात्र 9टी छोट प्रकल्प काम शेष करबा को विभागीय अधिकारी सक्षम होइछन्ति ए बाबद रे मात्र 8 कोटि 17 लाख 18 हजार टंका खर्च होइछि अनपटे 228 कोटि 24 लाख टंका खर्च न होई बैंक रे पड़ी रही छे बाबद रे अधिक आलोचना पई अमय आवश्यक जुड़े होचंती अमय वास्तविक घटना कोन काहे के प्रकल्प को विलंब होउछि देखंतु चिन्मय एबे एक प्रकार स्मार्ट सिटी को 5 वर्ष पूरिबा को जाउछि किंतु जदि हम कहिबा स्मार्ट सिटी नुहे बारंबार जो विरोध रही चंती बा अन्यान्य जो संगठन रही चंती बा सामाजिक कार्यकर्ता रही चंती समान अनेक समय रे दाबी करियो चंती स्मार्ट सिटी रो जो काम को लेकि प्रश्न मध्ये करि आछंती आ स्मार्ट सिटी नुहे स्मार्ट सिटी रे परिणत होइ सल्लाणी बोली बारंबार दाबी होछि तबे एते जहां तथ्य सामना को आछि कि मा जहां या पूर्वर मध्ये तथ्य सामना को आछला आमे को लेकि खबर मध्ये प्रसारण करछु स्मार्ट सिटी रे जो काम काम सब चलिछि से काम अत्यंत कछप गति रे चलिछि पाखापाखि 43टी प्रस्तावित प्रकल्प थिला जहां कंप्लीट करिवार थिला खूब शीघ्र कि मा 5 वर्ष मध्ये रे यदि आमे कहिबा तार गोटे टाइम पीरियड थिला से पीरियड एपर्यंत धीरे धीरे तार अवधि मध्ये शेष होबा को बसछि किंतु एपर्यंत स्मार्ट सिटी रो मात्र 9टी प्रकल्प कंप्लीट हे परछि इसी बाबा रे अभी हम खास करी केवल राउरकेला कथा कहबा नै जदि देखिबा पूरा राज्य रे जिम जिम अंचल रे सरकार कर विभिन्न प्रकल्प काम हुए से सबु थिरे मंथर गति रे चले एवं केमति से काम रे विलंबता देखा जाय ये मध्ये आगर उदाहरण रहिछि बहुत बहुत धन्यवाद अमय आपनकर तमाम सूचना पाइ त वर्तमान समय छि आउ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक परे स्वागत वर्तमान नजर पकाइबा सतेज सकाल रे कोन रहिछि गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस आजि आउ 60 मुंडनला कोरोना राज्य रे कोरोना जनित मृत्यु संख्या 6757 को प्रति 24 घंटा रे 1193 नुआ आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 425 कटकरु 161 जनम तीव्र होबारे लागिछि खरस्रोता बंचा आंदोलन आलियो राजकनिकारे पुलिस जनता खंडच्युत घटना पहांतियारु आंदोलनकारीको घर उठाइ नेला पुलिस राजकनिका अंचलरु 20रु 30 जनकु राति अध्या गिरफ सूचना गुजरात रे निवेशक सम्मेलन को संबोधित करिवे प्रधानमंत्री जानो स्क्रैपिंग भित्तिभूमि पई पूंजी विनियोग करबा को सम्मेलन रो आयोजन निवेशक शिल्प विशेषज्ञ को सह केंद्र मंत्री नितिन गडकरी गुजरात मुख्यमंत्री रहिवे उपस्थित पौर निर्वाचन पई मामला दायर हाईकोर्ट रे दायर हला 3टी पृथक पिटीशन निर्वाचन कमिशन को संवैधानिक विफलता अभियोग रे पिटीशन तुरंत पौर निर्वाचन करबा को मामला दायर चाषपाई खुशी खबर उत्तर पश्चिम बंगोपसगर दाना बांधुची लघुचाप अगस्ट 17 में लघुचाप सृष्टि नहीं पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान प्रभाव में ओडिशा समेत उपकूल आंध्र छत्तीसगढ़ तेलंगाना रे वर्षार संभावना राजधानी में डराउछे डेंगू 24 घंटे आउ 55 रोगी चिन्हट भुवनेश्वर डेंगू रोगी संख्या 1158 को वृद्धि सचेतनता सह सफे कार्य को व्यापक कला बीएमसी हॉकी हकी खेलाड़ी छलना 12 वर्ष पर भी सरुनी सुंदरगढ़ में स्टेडियम कम बारंबार अभियोग पर क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास दिगरे दृष्टि देना सरकार कोविड कटक चली जगा दर्शन द्वितीय दिन में महाप्रभु दर्शन करवायत परिवार सानिटाइज पर शनिवार रविवार बंद रीमंदिर 16-20 तारीख जाए पूरीवासी को मिल दर्शन सुजोग तेज सतेज सकाल जमी आम कि गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आलोचना करूँ तापर गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस थाए आउ या भितर आपण सका आहरी सतेज करने सतेज सकाल अतिथि था आज सेमती जड़े अतिथि अच्छा जी हूँ संगीत निर्देशक कंठशिल्पी ब्रह्मा कुमार तेज आम सहित कंठशिल्पी ब्रह्मा कुमार जोड़ी होती आम कार्यक्रम को आलो बर्तमान स्वागत करवा तेज ब्रह्मा कुमार आपण को सतेज सकाल को स्वागत जनईबी आउ प्रथम आपण गोटे गीत रु ही कार्यक्रम आरंभ करवा तापर परवर्त समय आम कथा
नमस्कार मैडम। आज्ञा प्रथमे आपण को कंठर गोटे सुंदर गीत सुनिबा पई चाहे। नमस्कार मैडम। आज्ञा तने गोटे संबलपुरी गीत गाइबी आ। श्योर। आज्ञा हां ए गीत मोर प्रथम गीत एटा सुपर हिट हेला दार्जिलिंग रे शूटिंग हेला मैडम एटा समलपुरी गीत फर्स्ट टाइम एल्बम शूटिंग हेला एटा। आज्ञा कहे मी बोली केते दिनो भाबुछे कहे मी बोली केते दिनो भाबीछे हाय तोर कसम रे तोते मुई दिल देईछे हाय तोर कसम रे तोते मुई दिल देईछे कहे मी बोली केते दिनो भाबीछे कहे मी बोली केते दिनो भाबीछे हाय तोर कसम रे तोते मुई दिल देईछे हाय तोर कसम रे तोते मुई दिल देईछे। थिला आपनको ए गीत अधिक माइलेज देथिला बोली आपन मध्ये कहउछंती जे खास करी आमे आपनकर प्रोफेशनल लाइफ बिषयरे कथा हाबा किंतु ता पूर्वरु टिके पर्सनल लाइफ आड को जिबा जेमते कि जानबा पई चाहिबो आपनको परिवार रे के अछंती एवं आपनको प्रोफेशन को से माने केमते सपोर्ट करंती। एने समस्ते तन वर्तमान परिवार रे मैडम मर मिसेस अछंती आ मा पा एक्सपेक्ट करलेने। अच्छा आ माने मर मिसेस मते बहुत सपोर्ट करंती जेना निजर जितके भाई बहनी भी समस्ते मोर परिवार रे जते भी अछन समस्ते म्यूजिक लाइन को सब मते सपोर्ट करंती ताके पई मते बाट जाय छे ताके आशीर्वाद। आज्ञा तबे ब्रह्मा कुमार जानबा पई चाहबो ए संगीत दुनिया को आपण केबे पाद देले तन मैडम हाई स्कूल तन माने छोटे दिन मेस्टन हाई स्कूल टाइम रे मोटे के आग्रह हला जते बेले माने ग्रामांचल एरिया रे माने नाटक ड्रामा सब होतला मो देखी गोटे मोर इच्छा लगला तपर मो बापा भी जड़े माने माने वाद्य शिल्पी से भी माने मृदंग मादल सब बजाऊ माने घर भी बापा सब देखिक मोर गोटे इच्छा है लाइन अच्छा। को आसवाई। अच्छा तेज ब्रह्मा कुमार आम जमी जानी जे खास करी आपण 300 रु अधिक संगीत निर्देशना देखते या भितर अनेक बा 50 संबलपुरी भजन गई आप भजन कथा कहत आलबम ये सब मिसी 50 गीत कंठदान खास करी क्यों क्यों गीत आपको अधिक माइलेज देखिए कारण कलाकार सब जीवन में कम कर चले कि क्लिक मिले से जान न थाए कि एमती गोटे समय आसे जो थे कि सी निजे जान न थाए पॉपुलर सी निजे से पॉपुलर हो आपन को कौ गीत गुड़िक अधिक माइलेज दे तर मुझे जिते मैंने समलपुरी जितकी गीत करें मैडम ये हाई तोर कसम गीत बेस पपुलर होता है यहाँ मैंने फास्ट टाइम समलपुरी दार्जिलिंग सुटिंग होता है गीत मैडम आने ये समस्ते मत समलपुरी दुनिया मैंने जान लें जन मैंने संगीत निर्देशक मैंने समस्त पाखे मुझे परिचय दे गीतर तबे दर्शकों कथा जी कह केमती भल पाइबा आप खास करे देखा जाए गोटे कलाकार सब खुशी कथा आईता है जिते बड़े ताको भल कमेंट्स आसती समस्ते भल कहते किंतु किछि हमको नेगेटिव कमेंट्स आसे आम काम भितर आ नेगेटिव कमेंट्स गुड़ी आप केमती रिसीव करती नेगेटिव कमेंट केबे आसीने तन मो समस्तक तले आपण बहुत लकी जे कि आपण बहुत लकी जे कि आपण को सबले प्रशंसा मिलि छि आ प्रशंसा सब बले आपण प्रशंसा रा पात्र होइ छथे तबे ब्रह्मा कुमार खास करी आगो को तो आहुरी कथा बा किंतु ए गीतटी आमे सुनिबा पई चाहिबु जे गोटे गीत रहि छि जे आमे समलपुरिया ए गीतटी टिके आपण को कंठरो सुनिबा पई चाहिबु तो आमे समलपुरिया गीत आज्ञा लेके आज्ञा आज्ञा महानदीर पानी पी करी आमे हेछु बड़े महान मा समले इर पहा तले मरुछु आमे छमान
महानदी कुले बढ़ी करी आमे हेइछु बड़े महान मा समले इरपाहा तले पसुछु आमे सरण आमर कथाटा सुंदर आमर भाषाटा मधुर भापिर तिर सांगे सते मोदिया दिया आमे समलपुरिया आमे समलपुरिया आमे समलपुरिया आमे समलपुरिया सतरे किंतु जो लिरिक्स थिला आइछे आमर भाषाटा बहुत सुंदर बहुत मीठा सतरे संबलपुरी भाषा रे बहुत मीठा रहिछि मिठास रहिछि या सहित संबलपुरी वस्त्र को मध्य पूरा विश्व स्तर रे गोटे से स्थान पाइछि तबे खास करी जानबा पाइ चाहिबो ब्रह्मा कुमार छि आपनकर आगामी प्रोजेक्ट कोन अछि आपन जेतु अनेक गुडिया मूवी रे मध्य संगीत निर्देशना दैछंती आगामी प्रोजेक्ट कोन रहिछि आपनकर तन मोर त मूलर मैडम लाइन चेंज करे मूलर मोर संगीत लाइन रे मोर वर्तमान सुधा चली करियर बुझे कि मैंने बहुत गुटे ओडिया आलबम भी करी ओडिया सिनेमा करी दी तीन टा फिल्म सन म्यूजिक श्रीकांत गौतम आज्ञा वन वे ट्राफिक मोर प्रथम सिनेमा से लाइफ करियर आज्ञा तबे संगीत जगत रे आपनकर आगो को कोन प्लानिंग रही छी कोन करबा पई चाहौ छथि तन्ने प्लानिंग रही छी मैडम तन्ने मो ए लाइन रहे मो जीवन तन्ने सब बेले संगीत के नै कि मो बचबी आ तन्ने सही टमर शेष इच्छा संगीत लाइन जेबे संगीत दुनिया रे आपन पाद देले जो स्वप्न नै कि पाद दैथिले वर्तमान से स्वप्न आपनकर साकार होई छी ना किछ बाकी रही छी एना किसी मैंने धीरे धीरे सब साकार हो मैडम तर जितक मोर मैंने आशा अच्छी धीरे धीरे सब फिलअप होसुविधा कि लोक मान आशीर्वाद रही निहाती मोर आशा अच्छी आगे भगवान बोध निश्चित ने निश्चित भाव में आपण भगवान आशीर्वाद रही आपणकर प्रति स्वप्न साकार होपण गोटेपर गोटे सफलतार सीढ़ी चढ़ुं तेज आग को कथबार्ता जारी रपणर प्रोफेसनाल लाइफ विषय में कथबा और पर्सनाल लाइफ विषय में कथबा कि समय हो गए छोट ब्रेक ब्रेक पगरे सते सकाल को स्वागत सते सकाल रे आज अतिथि अच्छा संगीत निर्देशक एवं कंठशिल्पी ब्रह्मा कुमार आम सहित जोड़ी होती सहित आम लगातार भाव आलोचना करुचु गीत शुणु ब्रह्मा कुमार आग को कथबा कि गोटे सुंदर गीत शुणा जो गीत अधिक माइलेज दे केवल संबलपुर नुह पूरा सारा राज्य में से गीत जो आप शुणुए समस्त मुहरे से गीत आसे जे बाजीगलारे ढोल लता सा जे जो गीतटी होची जे आमे समलपुरिया बाबू ए गीतटी टिके आपनको कंठरु सुनिबा पई चाहिबो माने एटा मो गीत एक्चुअली ए गीत मोर नोहेटा एटा माने मंटुचरिया पई कर गीत तन मो लिरिक ए गीत रे मजे माने जाडी ने अच्छा ठीक अछि ताले आपनकर आपनकर किछि गीत गोटे सुंदर गीत गाइ दियंत आगे ठीक अछि भल पाइलु पाई जानलु नाही कथा देलु रखी जानलु नाई भल पाइलु पाई जानलु नाई कथा देलु रखी जानलु नाई शेष के गलु पले रे हाय रे मोर परदेसी केभे आसी देबु चिठी हाय रे मोर परदेसी केभे आसी देबु चिठी भल पाइलु पाई जानलु नाई कथा देलु रखी जानलु नाई भल पाइल पाई जानलु नाई कथा देलु रखी जानलु नाई शेष के गलु पले रे हाय रे रे मोर परदेसी केभे आसी देबु चिठी हाय रे रे मोर परदेसी केभे आसी देबु चिठी
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୀତଟି। ଆଉ ଖାସ କରି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୀତିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଫେସନରେ ଯିଏ ଯାଉଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣକୁ ଆଇଡ଼ିଆଲ ଭାବେ, କାରଣ ମୁଁ ତା ପରିକା ହେଇପାରିବି କି, କାରଣ ତା ଭଳିଆ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାରଣ ନିଜର ଗୋଟେ ଲାଇକିଂ ପର୍ସନ୍ ଥାନ୍ତି। ସେମିତି ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ବା ଯଦି ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କଥା କହିବା, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମାନେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ନିଜେ କରିବା ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପୋଜ୍ କରୁଛୁ ଗୀତ, ମାନେ ବାହାର ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାପରେ ଆମର ତାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା କି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର୍କେ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୀତ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜେ ସବୁ ମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ଲିରିକ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଆମେ ସ୍ୱର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଲେଖା କ'ଣ ମାଗୁଛି, କେମିତି କଲେ ଆମେ ଗୀତଟା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲାଗିବ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ସବୁ କି ମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିକିରି ମାନେ ଗୀତ ତିଆରି କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ସ୍ୱର ବି ତିଆରି କରାହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ଯେମିତି ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେ ଖାସ କରି ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଦୁନିଆରେ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଆପଣ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲିଂ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଥିଲା? ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ, ଟିଚରଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲେ କି? ମାନେ ଏନା ମୁଁ ତନେ କେବେ ତନେ ମୁଁ କାହାଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇନି ଆମ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି, ତନେ ମୋତେ ଟିଚର ମାନେ ଗୀତ ମାନେ ଗୀତ ପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ତନେ ଲାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲି। କେବେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ବି ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମୋର ହୋଇନି, ତେଣୁ ମାନେ ସବୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଆଉ ସବୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଆପଣ କାହାଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ? ସଙ୍ଗୀତର ମୋ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ମୋ ବାପା, ଯେହେତୁ ସେ ମାନେ ଘରେ ଆମର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୃଦଙ୍ଗ ମାନ୍ଦଲ ଥିଲା, ସେ ବି ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଘରେ ଯେଉଁ ମାନେ ବାପାଙ୍କର ବଜାଇବାଟା ମୁଁ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ବଜାଇ, ମାନେ ସେଇଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ମାନେ ଯେତେ ମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବାଛିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ବାପା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଥିଲେ ବା ବାପା ସଙ୍ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କଠୁ ତଳରେ ରହିଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ତ ତାନେ ବାପା ବଡ଼ ଲୋକ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ତାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଗୀତ କରିଛି, ଭଜନ କରିଛି, ତାପରେ ତାନେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତକୁ ଯାଇଛି, ତାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାନେ ତାନେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ନିଜ ବାପା, ତାନେ ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ସେ ଫାଷ୍ଟ ମୋତେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ କେବେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ବାପା ଗୁରୁ ହିସାବରେ କେବେ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କେବେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, କେବେ ନାହିଁ, ବାପା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। କେବେ ମୁଁ ଗାଳି ଖାଇନି ବାପା, ଯଦି ଭୁଲ କରନ୍ତି ମାନେ ଭୁଲ ତ ମୁଁ ବି ମାନେ ଭୁଲ ପାଇଁ ମୁଁ ତାନେ କେବେ ଆମ ଘର ଲୋକ ଜାଣିନି ମୋ ଭୁଲ କି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁନି, ତାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ମାନେ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେବେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେବେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଖାସ କରି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ୟା ଭିତରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ରହିଛି ଯେ ଆଇରନ୍ ବାଲା, ସେ ଗୀତଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଠିକ ଅଛି। ହଏ ଗୋ ମୋର ଆଇରନ୍ ବାଲା, ଏ ମୋର ନୂଆ ଶିଖିନି ଆ ପିଲାରେ, ହଏ ଗୋ ମୋର ଆଇରନ୍ ବାଲା। ରିସେ ମାରୁଛୁ କି ଉଷା ସେ ମାରୁଛୁ, ରିସେ ମାରୁଛୁ କି ଉଷା ସେ ମାରୁଛୁ, ଭୁରି ସୂତା ବି ଚାପି ନାଇଁ ହେଲା ରେ, ହଏ ଗୋ ମୋର ଆଇରନ୍ ବାଲା। ଏ ମୋର ରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଧାଙ୍ଗରି ଘୁରିଲୁ, ନୂଆ ଶିଖିନିଆ ମୁଇଁ ଆଇରନ୍ ବାଲା। ରିସେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଉଷା ସେ ଚାହୁଁଛୁ, ରିସେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଉଷା ସେ ଚାହୁଁଛୁ, ଘୁରି ତୋର ମନ କେ ତ ଜାନି ନାଇଁ ହେଲା ରେ,
नुआ सिखनी मैरुन बाला ए मन नुआ सिखनी आ पिला रे सुंदर थिला लिरिक्स मध्य आपण निजे लेखुचंती एवं या सहित कंठदान करुचंती या भितरे जदि जानबा पई चाहिबो जे खास करी आपणकर आगामी गीत कोन रहिछि आगामी गीत मैडम बे रिलीज हेछि माने ओडिया एल्बम गीत रिलीज हेछि भजन गीत रिलीज हेछि समलपरी गीत भी आ मोर गोटे सबथि तर गोटे मोर पर्सनल माने वन वे ट्राफिक सिनेमार जीवन तो कपे चाहे गोटे मो लाइफ र सेटा गोटे टनिक पॉइंट से गीत मोर प्रथम से गीत को बहुत भल पाए अच्छा से गीत पदे ताले सुनिबा हाँ निहत ठीक ये केते आशा नहीं किए केते स्वप्न नहीं खोजे निज पाई जगा तार कहाकू हसाए कहाकू कंदाए कहाकू फेराए खाली रे ए सहर एठि पेट को पसिबा पाई मुंड को गुंजिबा पाई किए करे केते जे फिकर जीवन युद्ध रे जितुछि किए से हारुछि हिसाब रखेना ए सहर जीवन त खूब सुंदर थिला ब्रह्मा कुमार खास करी ए गीतटी को आपण निजे लिखिछंती मान ए गीत वन वे ट्राफिक सन म्यूजिक बैनर तैयार होता श्रीकांत गौतम सर ए गीत लिखी निश्चित भाव में लिरिक्स खूब सुंदर है लिरिक्स खूब सुंदर हो ब्रह्मा कुमार पचारे चाहिए जेहेतु वर्तमान कोरोना समय महामारी भितर समस्ते गति करुंटी जीवन जीविका उपर खूब प्रभाव पड़ी या भितर आपति समय बिता लकडाउन सटडाउन समय आपण कि प्रभाव पड़ी कि तना देखंतु एबे माने कलाकार मानकर माने असुविधा तना आमको खुशी लागे माने पैसा संगे माने जति कि पैसा मिले स्टेज रे सेटा अलग कथा किंतु आमको खुशी लोकंकर संगे मिसिबा तना बाहर को जागे आर्टिस्ट मानकर संगे मिला में सागर भाई जो माने भेटघाट माने कोरोना काल समय रे इटा माने बहुत प्रॉब्लम है छि जहां भी हमें सरकार को नीति नियम के मानिकर त निहाती चलु छ तना देखा जाउ आपको कौन हो किंतु मान मान घरे आमको तो आम खाली बस ही रोचु किसी आमको ठीक ठीक लगे आम मैंने इंस्ट्रुमेंट जिते अच्छे कौ गीत कंपोज करुचु के गाचु मैंने एमती टाइम पास करके मन ठीक ठीक लगुना जे के से मान मान पुराणा समय पुणे आसब आम सब कलाकार मैंने प्रोग्राम करूँ बाहर को जीव आम सागर सिनेमा पत्र मिलामिशा निश्चित भाव में ब्रह्मा कुमार समस्ते अपेक्षा करोना पूरा विश्व दूर हेब कोरोना महामारी दे वर्तमान समस्ते गति करते वर्तमान अपेक्षा कर दिन फेर और आग भाई सब स्वाभाविक हेब बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार आम सहित जोड़ी हेले आम अतिथि सकाल को आहरी सतेज कले तेरे आम सहित संगीत निर्देशक कंठशिल्पी ओडिया चलचित्र संबलपुरी आलबम ब्रह्मा कुमार आम सहित जोड़ी होते आम सतेज सकाल आज अतिथि होते सुंदर खूब सुंदर गीत आपंठ शुणिलु खूब बहुत भल लगला कथा आसुची जे दर्शक माने खूब एंजय करते आपण गीत को संबलपुरी गीत जो मिठास थाए से मिठास टी खूब अनुमय करेंगे दर्शक माने बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमार आपणकर जे आम सहित जोड़ी होथि पारु तेज सतेज सकाल आज अतिथि थे आम सहित ब्रह्मा कुमार सहित आलोचना कले कि गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं आलोचना कले गुरुत्वपूर्ण हेडलाइंस रही बर्तमान समय होती सतेज सकाल को ये रखुचु नमस्कार।